हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। इमरान यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी हम लोग को लोग की जो ड्यूटी रहती है, वेटिंग इतना तकलीफ देती है, लेकिन हम लोग क्या करें, वो तो मजबूर है, करना पड़ता है। कल मैं इस तरह में छोड़ के आया था मैडम को, तो रात में 12:30 बजे फ़ोन आया, न्यू इंडिया का 3 बजे। फिर मैं गया उसको लेके आया। जब इतना लेट अगर सोएंगे तो सुबह उठने में तकलीफ भी होती है दोस्तों, लेकिन करना पड़ता है। हम लोग को कोई बात नहीं, हम लोग की आदत भी पड़ गई है कुछ। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैं मेरी ड्यूटी की तैयारी है। अभी फ़ोन तो नहीं आया है, तकरीबन कुछ टाइम के बाद में फ़ोन आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों, ये जो झाड़ू लगाने वाला है, ये बांग्लादेश का है। ये सुबह फजर के टाइम से इन लोग की ड्यूटी लग जाती है, यानी ये लोग 4 बजे जहाँ जिस फील्ड में इनकी ड्यूटी रहती है यहाँ पे आ गए हैं। इनकी ड्यूटी जिस साइड में कर रहे हैं, और उसके बाद में जो ये पीला डिब्बा है इसके उधर ही इनकी ड्यूटी है। यहाँ से फिर दूसरा आदमी आता है, इस साइड से दूसरा आदमी आता है साफ़ करने के लिए। ये जो दूसरी तरफ ड्यूटी वाला है, ये इस तरफ जो करता है वो आ गया, ये अपने साइड साफ़ करने के लिए। अभी मेरी वापसी हो गई है मकतब से। अभी मैं चल रहा हूँ अपने रूम पे। उससे पहले मैं चलता हूँ कारफोर में चल के वहाँ की वीडियो आप लोग को दिखाता हूँ दोस्तों। दोस्तों, अभी मैं मकतब से वापस आ रहा हूँ और मैं चल रहा हूँ अपने रूम पे। उससे पहले दोस्तों, मैं कारफोर में जाके वहाँ की वीडियो आप लोग को दिखाता हूँ दोस्तों। वहाँ पे कारफोर में देखता हूँ अगर कुछ सामान डिस्काउंट में है तो मुझे वहाँ से सामान भी लेना है दोस्तों। दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ कारफोर मार्केट में। ये कारफोर की सारी गाड़ियाँ इधर अनलोडिंग के लिए आई हैं, और मैं चल रहा हूँ पहले तो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करता हूँ, उसके बाद में फिर दोस्तों मैं चलता हूँ कारफोर के अंदर। दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ ये कारफोर मार्केट के पास। अभी मैं चल रहा हूँ कारफोर मार्केट के अंदर दोस्तों। तो अभी मैं आ गया हूँ कारफोर के अंदर। ये देखिए लगा हुआ है, पूरा टेबल सेट है दोस्तों। इसको ये अरबी में मुबल्लत बोलते हैं दोस्तों। अब इधर भी ये सारा सामान टेबल ही लगा हुआ है। इधर सामने ये चेयर है कपड़े की। और दोस्तों, ये खेमा है, ये छोटा वाला टेंट है। ये इसको जो है जंगल में जाते हैं तो पिकनिक मनाने के लिए इसको लेके जाते हैं दोस्तों। मैं इधर आप लोग को दिखा रहा हूँ जो ये सेट लगा हुआ है दोस्तों। ये पूरा ये इसमें गद्दा ये सब कुछ है। अपनी तो अपने इंडिया में भी हर सामान मिलने लगा है। और जो ये है टेंट, इसको हरा वाला, इसको ये मुबल्लत बोलते हैं अरबी में दोस्तों। ये जो जाली है, इस पर ये लोग जो है इस पर चिकन और मटन फ्राई भूनते हैं कोयले पे, इसी में फंसा के। इधर टोटल ये किचन टूल है दोस्तों। दोस्तों, इधर जो कुछ है बच्चों का खिलौना है, ये देखिए इधर लगा हुआ है सब। इधर ये सॉकेट लगी हुई है। तो इधर ये भी टूल है, ये ड्रिल मशीन है। ये वाली 99 रियाल में है दोस्तों, यानी इंडिया का हो गया लगभग 2100 दोस्तों। ये ठंडी वाला हीटर है, इसमें ये आयल वाला है। जैसे अपने यहाँ इंडिया में ट्रांसफार्मर होता है, सेम वैसे है ये आयल वाला है दोस्तों, ठंडी का हीटर है दोस्तों। ये सामने वॉशिंग मशीन लगी है, तोशीबा की है, हास कंपनी की, हिटैची की है। ये सब ऑटोमेटिक है दोस्तों। ये तो सुखाने वाला है, और इधर ये लगी है ऑटोमेटिक है दोस्तों। ये गैस चूल्हा लगा हुआ है, ये ऑटोमेटिक है। इसमें लाइटर ऑटोमेटिक लगा हुआ है दोस्तों, इसमें लाइटर नहीं मारना पड़ता है। और ये है हीटर है दोस्तों, ये स्क्रीन टच वाला ये हीटर आ गया है। ये स्क्रीन टच है दोस्तों, ये देखिए ये वाला हीटर है। देखिए इसका ये सेम डिजाइन इसे कार्टून में बना हुआ है, जो इसका ये चीज़ है, ये चीज़ गर्म होता है दोस्तों। दोस्तों, ये आटा गूंथने की मशीन है। सब इधर ये कीमा, ये जो है कीमा बनाने की मशीन है दोस्तों, इधर लगी हुई है। उधर ये जो है चिप्स, ये सब फ्राई करने का है दोस्तों। अभी मैं इधर आ गया हूँ दोस्तों। अभी इधर ये जैकेट और कपड़ा है, देखता हूँ इधर। अभी इस साल में तो इतना ठंडी तो पड़ ही नहीं रही है कि अब जैकेट आदमी खरीदे, लेकिन लोग खरीद भी रहे हैं। अभी मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि थोड़ा वो ठंडी बढ़े तो जैकेट खरीदूँ। और ये शर्ट लगी है 12 रियाल में। फिर मैं आप लोग को इधर और दिखाता हूँ। इधर बहुत सी जैकेट लगी हुई है दोस्तों, ये पूरा इधर दोस्तों, इधर भी ये लगा हुआ है जैकेट। और इधर ये इनका कपड़ा आप लोग देख लीजिए। ये इधर इधर लेडीज़ लगा हुआ है दोस्तों, ये सब लेडीज़ है लगा हुआ है दोस्तों।
दोस्तों ये जो पैकेट में है ये सब ये बिल्ली का खाने का है। यहाँ पे लोग जो बिल्ली पाले हैं ले जाते हैं फिर खिलाने के लिए। इधर जो कुछ है सब कुछ, ये इधर तेल का सेक्शन है, ये इधर जूस है, और इधर ये सब जोबन मक्खन लगा हुआ है दोस्तों। इधर टोटल जो है बटर लगा हुआ है, इस साइड में भी पूरा अलाजे का सामान है दोस्तों। इधर ये पूरा सब्जी और फल लगा हुआ है, इधर का भी देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि इधर ये लगा हुआ है सब्जी और फल है सब सारा। दोस्तों मैं जब चल रहा हूँ बाहर तो इस तलाजे में अगर मैं एक एक सामान आप लोग को बताता हूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों। दोस्तों अभी बज गया है 3 और मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, जो मेरा ये डेली का रूटीन है, टाइम फिक्स बंधा हुआ है दोस्तों। तो अभी 3:10 हो गया है और मैं रास्ते में हूँ, अपने रूम से कुछ ही दूरी पर निकला हूँ दोस्तों। थोड़ा लेट भी हो गया है, इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे, कोई भी मुश्किल नहीं है। ये जुमेरात को ज़्यादा टेंशन रहता है क्योंकि जुमेरात के दिन रोड पे जाम रहता है, वैसे अभी तो जाम नहीं दिख रहा है दोस्तों। इतना ज़्यादा रोड पे जाम लगा हुआ है, मैं जिस रोड से जा रहा हूँ कि अभी मुझे आधा घंटा लगभग 25 मिनट पहुँच बाकी है ऑफिस पहुँचने में, लेकिन लग रहा है कि आज फिर वही लेट हो जाएगा जैसे अगले हफ्ते में हुआ था, बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। मैं टाइम से निकला था फिलहाल, तो जिस रोड से मुझे मैं जा रहा हूँ ये तो एकदम समझ लीजिए स्टाफ है, बंद है, और जिस रोड से मुझे आना है वो माशाल्लाह बहुत खाली है। और लड़की का फ़ोन भी आ चुका है, मैं अभी तक 10 मिनट लेट हो गया हूँ, अभी मुझे पहुँचने में आधा घंटा लगेगा दोस्तों। मैं अभी ऑफिस से रूम पे आ गया हूँ, अभी 5:20 हो रहा है और आज मुझे पहुँचने में आधा घंटा लेट हो गया। जब मैं रास्ते में था जाम लग गया, एक बार जाम तो मिला था लेकिन जाम खुल गया, लेकिन दोबारा जाम आधे रास्ते से फिर मिल गया तो उसमें बहुत टाइम लग गया, मैं आधा घंटा लेट हो गया। जब मैं 4 बजे वहाँ से ये मैडम निकलती है, 10 मिनट बाद फ़ोन किया, यानी 4:10 पे फ़ोन की, बोली किधर हो, मैं बोला मैं रास्ते में हूँ। उससे अरबी में बोला कि मैं अनाफी तरीक, यानी सॉरी मैं रोड पे हूँ। मैं बोला उससे जाम लग गया है, तो कुछ नहीं बोली बेचारी, सीधा जो है गाड़ी में बैठ गई, अभी आके सीधा रोड जो है अपने घर चली गई है दोस्तों। आज सुबह से ही मालूम नहीं कैसा मेरा दिन ही जैसे ख़राब चला गया। तो आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।